गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम फॉलोअर के बारे में देखेंगे कि फॉलोअर कितने टाइप का होता है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कैम एंड फॉलोअर का डेफिनेशन देखा और कैम का क्लासिफाई कैसे करते हैं उसके बारे में देखा था। इसमें फॉलोअर का भी क्लासिफिकेशन हम तीन बेसिस पे करते हैं। एक शेप पहला है कि शेप के बेसिस पे कि फॉलोअर का शेप कैसा है। कैम में भी ऐसा ही था कि फॉलोअर कैम का शेप कैसा है उस बेसिस पे हम क्लासिफाई किए थे। इसमें दूसरा है मूवमेंट ऑफ कैम, मूवमेंट ऑफ जो है फॉलोअर का किस टाइप से होता है, मूवमेंट ऑफ फॉलोअर, ये फॉलोअर के बेसिस पे करते हैं। मूवमेंट ऑफ फॉलोअर इसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तीसरा है लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मूवमेंट, जो लाइन ऑफ मूवमेंट है फॉलोअर का वो जो है हमारा फिक्स्ड जो एंगल होता है, फिक्स्ड जो पॉइंट उससे कितना दूर है, ऑफसेट है कि नहीं है। तो इसमें हम अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप, शेप के बेसिस पे कौन कौन सा टाइप ऑफ फॉलोअर होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एक नाइफ एज फॉलोअर, मतलब हमने जब शेप ऑफ शेप के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं तो बेसिकली हमको शेप देखना है। जैसे कैम में भी देखे थे तो पहला था वेज शेप कैम, दूसरा था डिस्क कैम, फिर इसी टाइप से अलग से स्फेरिकल कैम, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैम, ये सब अलग अलग टाइप का था। तो बस लेकिन जिस टाइप से उसमें कैम का शेप पे देख रहे थे तो इसमें हम अब फॉलोअर के शेप के बेसिस पे देखेंगे। उसमें हम सबसे पहले चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो था डिस्क कैम का, तो बताए थे आपको कि कहीं फिक्स्ड रहता है। तो इसमें फॉलोअर का शेप कैसा होगा, नाइफ एज, मतलब जो एज है वो नाइफ टाइप का रहेगा, ठीक है ना। देखिए ये नाइफ मतलब चाकू टाइप का रहता है, उसका जो क्या होता है एज बहुत तीखा सा एज होता है। और ये फॉलोअर है, ये किसी फ्रेम और गाइड में फिक्स्ड है ये फॉलोअर। तो ये डिस्क टाइप है कैम। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट पे यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, यानी निग्लिजिबल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ना के बराबर है। और जब ये हम आपको बताए थे, सपोज कीजिए ये जो कैम है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो क्या होता है इसका मूवमेंट, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट करेगी, जैसे सपोज कीजिए यहाँ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये पार्ट, ये वाला पार्ट है जो, ये वाला जो एरिया, जैसे जैसे उठेगा फॉलोअर क्या होगा, ऐसे ऐसे उठना ऊपर स्टार्ट होगा। ये तो ऐसे चलेगा, कैम का रोटेशन ऐसे होगा, कैम देखिए यहाँ फिक्स्ड है तो कैम का रोटेशन ऐसे होगा, लेकिन फॉलोअर कैसे होगा, फॉलोअर क्या करेगा, इस पर ये है, इस पर सपोज कीजिए आया तो ये क्या होगा, फॉलोअर अप डायरेक्शन में उठेगा, तो उठेगा ये तो ऐसे ऐसे आएगा। तो देखिए एक एरिया, एक ये कॉन्टेक्ट यहाँ भी बनेगा, यहाँ पे अगर जैसे ये तो ऐसे जो है कैम घूम रहा है तो ये इस पर टच करेगा, जो इन करीब इंक्लाइन टाइप का सरफेस रहेगा तो ये तो इधर आएगा ना, ये फॉलोअर इधर होगा तो इसमें क्या लगेगा, फोर्स ऑफ थ्रस्ट, एक थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा। और दूसरा कि जैसे ये नाइफ एज है और ये सरफेस ऑफ, यहाँ पे ये वाला नाइफ एज और सरफेस ऑफ डिस्क, ये जो डिस्क है इसका सरफेस, इसके बीच में कुछ ये फ्रिक्शन लगेगा, सपोज कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये मोशन में रहेगा तभी आएगा फ्रिक्शन, ऐसे तो स्टैटिक टाइप का लग रहा है, जब मोशन में आएगा तब उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे उसको, ये सरफेस पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस वाले फॉलोअर में, इसका तो मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में होता ही है, रेसिप्रोकेशन मोशन, और इसका मूवमेंट इस टाइप से हो रहा है। यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम है, जिसके वजह से क्या होगा, वियर होगा, वियर यहाँ पे ये जो सरफेस है कैम का सरफेस, ये ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो कुछ कंक्लूजन है उसमें लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन तो बहुत सिंपल है इसका, सिंपल एक नाइफ टाइप का है, इसमें गाइड में फिक्स कर दिए, ये आराम से इसमें करेगा मोशन करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसका, कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, जीरो है, जीरो की बहुत एकदम है, कम है, तो इसका क्या होगा, एक्सेसिव वियर होगा, और वियर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि कैम खराब हो जाएगा, कैम हमारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट ग्रोस्ट वियर फॉलोअर, मोस्ट ग्रोस्ट मतलब सबसे खराब फॉलोअर होता है, इसको नॉट इन यूज, ये यूज नहीं होता है, ये वाला फॉलोअर जो होता है नाइफ एज फॉलोअर को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग हमेशा वीडियो स्टॉप को पॉज करके आप लोग आराम से लिख लिया कीजिएगा पहले, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉलोअर, दूसरा रोलर फॉलोअर है,
रोलर फॉलोअर में क्या है कि जैसे मान लीजिए जो शेप होगा फॉलोअर का, जैसे ये सब कैम है, जो फॉलोअर है ये जो फॉलोअर है, देखिए ये फॉलोअर है, उसमें ये शेप किस टाइप का है, रोलर टाइप का। पिछला केस में क्या था, यही जो शेप क्या था, नाइफ टाइप का, जो एकदम नाइफ चाकू धार टाइप का था। तो इसमें क्या लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, जब सरफेस मूवमेंट कर रहा था क्या लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन इस टाइप से लग रहा था ना, काइनेटिक फ्रिक्शन मूवमेंट इसका ऐसे हो रहा था, साइड थ्रस्ट ऐसे ही लग रहा था। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है, जब मूवमेंट करेगा ये, सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहा है कैम, तो इसका मोशन कैसा होगा, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का होगा, मूवमेंट ऐसे होगा फॉलोअर का, कैम का रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये रोटेशन करेगा तो सेम ऐसा है, ये ऊपर उठना चाहेगा, ये कैम ऐसे रोटेट करेगा तो इसको क्या करेगा, लिफ्ट कराएगा, लिफ्ट कराएगा, बिकॉज देख लीजिए यहाँ से ये, यहाँ से इंक्लाइनेशन लगेगा, इंक्लाइनेशन थ्रस्ट फोर्स लगेगा, तो ये इसको इधर ट्रांसमिट करेगा, यहाँ से फोर्स होगा वो यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइड थ्रस्ट, यहाँ भी लगेगा साइड थ्रस्ट, तो सब वाले केस में लगेगा, सारे केस में। तो इसी साइड थ्रस्ट को मिनिमाइज लोग करने के लिए नया नया तरीका लगाते हैं, वो बताएंगे अभी बाद में क्या इसका उपाय करते हैं। तो यहाँ थाई स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पे इस वाले केस में क्या लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, लेकिन ये जो है रोलर फॉलोअर, बस इसमें क्या नाम है, यहाँ नाइफ हेज था, ये वाला एज नाइफ टाइप का था, और यहाँ पे ये कैसा है, रोलर टाइप का, रोलर है ये, ठीक है। तो यहाँ रोलर कंटेक्ट होता है तो इसमें जो लगता है फ्रिक्शन वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, FS स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो लगता है तो आपको पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलर कंटेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, प्योर रोलिंग मोशन होता है यहाँ पे, बिकॉज एरिया ऑफ कंटेक्ट क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, ठीक। तो इस केस में क्या था, एरिया ऑफ कंटेक्ट कम था तो वियर कितना था, बहुत ज़्यादा था, इसमें एरिया ऑफ कंटेक्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, वियर भी मिनिमम होगा। इसका एक ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि रोलर आपको पता है कि 3D शेप का होता है, यूं गोल टाइप का होता है, जैसे एक मिनट, ये तो है इस टाइप से, ठीक है, ये रोलर, इसको तो ये वाली ये चपटा वाला है जो पूरा गोल रहता है रोलर टाइप का, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप इसको देख के रोलर किस टाइप का होता है। तो इसमें एरिया क्या होता है कि स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है हमें, और हमको यही देखना होता है कि क्योंकि कैम और फॉलोअर होता है, जैसे सपोज कीजिए हम आईसी इंजन की बात करते हैं तो उसमें फ्यूल सप्लाई जो होता है, वो जो वाल्व होता है, वाल्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, वो कैम और फॉलोअर द्वारा ड्राइव इन होता है, वो कैम एंड फॉलोअर उसको ड्राइव करता है कि कब कितना ओपनिंग होगा कितना क्लोजिंग होगा। एक तो ऐसी ही उसमें जगह कैम रहती है और उसमें अगर हम कोई बड़ा सा इक्विपमेंट फिट कर दे तो जगह तो नहीं बचेगी ना। तो हालांकि फिर भी ये जो कैम है मोस्टली यूज किया जाता है बिकॉज हमको तो फ्रिक्शन भी देखना है, हमारा जो मशीन इक्विपमेंट भी ख़राब नहीं हो, थोड़ा सा बल्कि लोग इसके लिए चलो कोई दिक्कत नहीं है, जगह थोड़ा ले रहा है जा रहा है कोई बात नहीं है, कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन बियर से तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना, कि बताइए कि हम 50 आवर हम अपना 50 घंटे हम अपना जो बाइक चलाएँ और उसके बाद ले हमारा कैम वियर आउट हो गया, उसके बाद हमारा कोई यूज ही का नहीं है वो, फिर हमको दूसरा कैम लगाना पड़ रहा है, तो उसका तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये जो है रोलर फॉलोअर ये मोस्टली यूज हो रहा है आजकल, मोस्टली यूज्ड इन आईसी इंजिन्स, ठीक है, या बहुत जगह पे ये मोस्टली यूज हो रहा है ये, ठीक है। इसमें क्या बताएं आपको, हम वही बात बताएं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ रोलर 3D स्पेस रिक्वायरमेंट इज मोर, एरिया ऑफ कंटेक्ट इसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइफ एज, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्योर रोलिंग होता है, हेंस वियर इज जीरो या मिनिमम बोलिए आप, वियर हल्का सा तो होगा ही थोड़ा सा एकदम, लेकिन मिनिमम ये जीरो इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप रोलर फॉलोअर के बारे में देखा आपने, दोनों कंपेरिजन देख लीजिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे था ये बात एकदम खास बात है यहाँ पे कि वियर इसमें ज़्यादा होता है एरिया ऑफ कंटेक्ट कम होने की वजह से। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉलोअर के बारे में देखते हैं, आप इसको आराम से पहले वीडियो पॉज करके देख दिया कीजिएगा हमेशा। तीसरा फॉलोअर हमारे पास है फ्लैट फेस फॉलोअर,
फ्लैट फेस फॉलोअर से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि जैसे ये कैम है तो इसमें जो हमारा जो फॉलोअर होगा उसका शेप क्या होगा, फ्लैट फेस टाइप का। जैसे देखिए ये फ्लैट फेस है, इस टाइप का फॉलोअर रहता है इसमें, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा होगा कि देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ कंटेंट क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे तो हम आपको ज़्यादा दिखा दिए हैं कितना लाइन ऑफ कंटेक्ट दिख रहा है, लेकिन जनरली टेंस टू जीरो ही होता है, यहाँ भी उतना भी ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू नाइफ फेस से ज़्यादा होता है, डिस्क फॉलोअर से ज़्यादा होता है, जिसको ठीक है, उससे ज़्यादा होता है यहाँ पे भी एरिया ऑफ कंटेक्ट। तो अगर एरिया ऑफ कंटेक्ट ज़्यादा है तो सरफेस कितना वियर होगा वो एरिया ऑफ कंटेक्ट पे तो डिपेंड करता है, कितना है। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो इसके वजह से भी क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होता है, स्ट्रेस जनरेट होगा ना, तो सरफेस स्ट्रेसेज आर देयर, यहाँ पे सरफेस का स्ट्रेस होता है। वियर यहाँ भी उस दोनों के इससे ज़्यादा होता है, यहाँ वियर होता है ज़्यादा, एरिया कंटेक्ट क्या होता है टेंस टू जीरो ही होता है करीब, ठीक है, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा होता है एरिया ऑफ कंटेक्ट। तो इसको भी हम यूज नहीं के बराबर करते हैं, नहीं यूज करते हैं कहीं पे, बिकॉज इसका शेप भी देखिए तो बल्कि शेप भी लग रहा होगा, इसके वजह से भी नहीं करते। तो यह है फ्लैट फेस, यह है फ्लैट। अगर यही सर्कुलर, ये जो फ्लैट है, ये जो फ्लैट वाला शेप है, अगर वो सर्कुलर के फॉर्म में रहे, ये सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में रहे, अगर ये जो है, ये अगर फॉलोअर, ये जो फॉलोअर है इसको, अगर ये वाला जो पार्ट है फॉलोअर है इसको, हम ये सर्कुलर डिस्क टाइप में रहे, सर्कुलर डिस्क टाइप में इस टाइप से, तो इसी को बोलते हैं मशरूम फॉलोअर, नाम आप लोग सुने होंगे कहीं, चौथा मशरूम फॉलोअर होता है। बस क्या होता है, फॉलोअर फेस इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, बस इतना ही होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट है स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर, तो उसमें बताते हैं क्या होता है, बस स्फेरिकल शेप के टाइप का होता है, फिगर बना देते हैं, एक मिनट आप पॉज करके लिख लीजिए इतना पहले। देखिए उसके बाद है स्फेरिकल फेस फॉलोअर, स्फेरिकल फेस फॉलोअर में क्या होता है, जैसे कि ये कैम है तो यहाँ पे फॉलोअर किस टाइप में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। स्फेरिकल का आपको पता है कि मिनिमम एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, स्फेयर का मिनिमम एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है तो पता है ना। तो इसमें क्या होगा कि मिनिमम सरफेस स्ट्रेस होता है, यहाँ पे मिनिमम सरफेस स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए अगर उस ढंग से आप देखने लगिएगा कि स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, अगर एरिया कम है तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, अब उस सेंस में यहाँ पे नहीं देखना है, देखना था नाइफ एज वाले में, तो बिकॉज जब एकदम नाइफ टाइप का था तो ज़्यादा होगा कि नाइफ तो एकदम स्क्रेच कर देगा, लेकिन ये स्फेरिकल फॉर्म में है तो स्फेरिकल का एरिया क्या सारे के जितना भी शेप है उसमें सबसे कम शेप किसका होता है, स्फेयर का। इसीलिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ते होंगे, द शेप ऑफ द बबल जब पढ़ते होंगे सरफेस टेंशन, उसके वजह से जो बारिश का बूंदे होता है या कुछ तो होता है वो कोई भी चीज़ अगर छोड़ दीजिए ऊपर से फुहारा टाइप के, तो जो शेप लेगा वो स्फेरिकल शेप लेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, वो अपना एरिया होता है कि मिनिमम एक्वायर करने की कोशिश करता है। जो स्फेरिकल शेप का क्या होता है कि जो होता है एरिया क्या होता है मिनिमम होता है जितने भी शेप है उस में। तो इसमें वियर क्या होता है, लो होता है एज कम्पेयर टू नाइफ फेस। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, सारे के सारे फॉलोअर को नाइफ फेस से। हम जो अभी इसमें जितना शेप के बेसिस पे जितना फॉलोअर पर है उसमें हमको सबसे अच्छा फॉलोअर कौन सा दिखा, रोलर फॉलोअर, जो रोलर फॉलोअर होता है वो सबसे बेस्ट फॉलोअर है, ठीक है। लेकिन उसको भी हम बहुत हाई स्पीड पे और जब स्टीप राइज होता है, स्टीप राइज मतलब जैसे सपोज कर रहे हैं आप जैसे डुएल ये सब पीरियड देखे थे आप, तो हम आपको बताए थे हाइट वर्सेस थीटा का कर्व, जब आपको बता रहे थे टाइप्स ऑफ कैम में, टाइप्स ऑफ कैम में मूवमेंट ऑफ
फॉलोअर, जब मूवमेंट ऑफ फॉलोअर के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं इसमें, मूवमेंट ऑफ फॉलोअर या एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कैम इसके बेसिस पे, तो उसमें हम चार टाइप का बताए थे आपको, राइज रिटर्न कैम, राइज डोयल कैम, डोयल राइज कैम, ये सब टाइप का। तो उसमें जो अगर सपोज कीजिए स्टीप राइज पूरा एकदम हो रहा है, स्टीप राइज, तो उस केस में भी हम प्रिफेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। कौन सा फॉलोअर, रोलर फॉलोअर की बात कर रहे थे हम अभी। इसके लिए फॉलोअर का कहीं कहीं देखिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज होता रहेगा, लेकिन सबसे बेस्ट फॉलोअर कौन सा है, रोलर फॉलोअर। अगर याद रखिए ऑब्जेक्टिव में आ गया कहीं कि सबसे बेस्ट फॉलोअर कौन सा होता है, तो रोलर फॉलोअर, ठीक है। अब इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ, अब मूवमेंट के बेसिस पे हम कैम जो फॉलोअर का कैसे क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं। फॉलोअर का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मूवमेंट में दो टाइप का होता है, एक होता है रेडियल फॉलोअर, एक होता है ऑफसेट फॉलोअर। रेडियल फॉलोअर मतलब कि जैसे हम आपको बताए थे कि ये कैम है का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाला, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है, ठीक है। तो जो हमारा फॉलोअर है तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, जैसे सपोज कीजिए ये फॉलोअर है, हम आपको एग्जांपल देते हैं एक नाइफ एज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका देखिए नाइफ एज का एक्सिस जो है, ये इसका एक्सिस है जो लाइन ऑफ मूवमेंट से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस फॉलोअर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो लाइन ऑफ मूवमेंट है इसका फॉलोअर का, ऐसे ऐसे यहाँ से करता है ना, तो ये वाला इसका एक्सिस से पास करता है, तब इसको बोलते हैं रेडियल फॉलोअर। जब पास नहीं करता है तो उसको बोलते हैं ऑफसेट फॉलोअर। जैसे कि देखिए ये हमारे पास फॉलोअर है, तो इसका ये जो फॉलोअर इस टाइप का है हमारे पास कैम एंड फॉलोअर, तो इसका देखिए एक्सिस पास नहीं कर रहा है, यहाँ से पास नहीं कर रहा है, ये यहाँ से क्या है, इसको बोलते हैं ऑफसेट, ऑफसेट, तो इसी को बोलते हैं ऑफसेट फॉलोअर। तो दोनों में हम ऐसा क्यों किए, हमें ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ा करने का, सबसे पहली बात तो वो आती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़, आप यहाँ पे जो पॉइंट कंटेक्ट होता है यहाँ पे और जो रोटेशन करता है, तो ये कंटेक्ट हो रहा है, इसको क्या करेगा यहाँ से, अब ये जैसे जैसे उठते जाएगा, जैसे जैसे उठते जाएगा ये वाला पार्ट, वैसे ही जैसे मानिए कि ये है यहाँ पे, ये उठता है, एक मिनट, ये ऐसे है यहाँ रोटेट कर रहा है, तो सपोज़ कीजिए पार्ट यहाँ पे है टच, ये वाला सरफेस, ये ऐसे रोट है हमारे पास, ये है देखिए, ये देखिए, ये ऐसे फॉर उठाते चला जाता है, उठते चला जाता है ना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे धीरे धीरे जो इसमें जो फोर्स है, जो थ्रस्ट फोर्स होगा यहाँ पे, ये हम यहाँ पे दूर दिखाएं इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन एकदम गाइड एकदम नज़दीक में रहता है, तो ये इसमें टच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थ्रस्ट फोर्स आता है, हम आपको बताए थे। तो ये जो थ्रस्ट फोर्स होता है इसमें हाई होता है, ज़्यादा होता है, इसमें पूरा सरफेस भी कांटेक्ट में रहता है, पूरा यहाँ से यहाँ तो पूरा सरफेस होता है, थ्रस्ट फोर्स भी होता है। तो ये जो थ्रस्ट फोर्स होता है ना, इस वाले केस में हाई होता है, ज़्यादा होता है, आप इसको ध्यान से लिखिए कि हाई होता है, वीडियो पहले पॉज करके इतना पहले बात आप लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद लिखिए कि ये इसमें क्या होता है कि थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, हाई, हाई थ्रस्ट, हाई थ्रस्ट फोर्स। देखिए यही बात इसमें देखिए, अब जब हम इसको ऑफसेट कर दिए तो क्या हुआ, इसमें देखिए ये जो है कि यहाँ भी है, इसमें भी है थ्रस्ट फोर्स, तो इसमें भी रहेगा एफ एस, लेकिन इसमें क्या होगा, कम रहेगा, इसमें क्या होगा, कम रहेगा, और सरफेस वियर भी जिसकी वजह से थोड़ा सा कम होगा। लेकिन एक देखिए यहाँ देखिए, अगर यहाँ रहता तो इसका मूवमेंट कितना हुआ, इसका जो मूवमेंट होता, अगर सपोज कीजिए कि पूरा यहाँ से लेके पूरा ये पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरे सरफेस है, तो यहाँ से पूरे यहाँ तक ये पूरे इसको यहाँ यहाँ ये वाला सरफेस को कहाँ तक उठाएगा, यहाँ तक, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट वन सपोज कीजिए पॉइंट वन है, ये उठ के कहाँ चला आएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। यानी हमारा स्ट्रोक कितना हुआ, ये जो होता है ये हुआ स्ट्रोक, स्ट्रोक लेंथ इतना होता है इसमें होता, लेकिन क्या था, थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा था जिसकी वजह से वियर होगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या है ये वाले सेक्शन में कि यहाँ पे कितना हम शेप वैसा नहीं बनाए हैं इसमें, जैसे सपोज कीजिए कि शेप इसमें भी ऐसा है, तो इसमें कितना है, इतना है, कितना उठ पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए ये पार्ट वन यहाँ है, उठ के ये यहाँ आएगा, सपोज कीजिए यहाँ आएगा,
ये वन वाला पॉइंट उठ के ये वाला, ये है ये सरफेस जब पूरा उठने लगेगा यहाँ तक, तो ज़्यादा ज़्यादा कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा उठ के, इतना आएगा। लेकिन यही है, ये उठ के कहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, ये वाला सरफेस उठ के कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता, आ जाता ना। कंपेयर कर रहे हैं, पा रहे हैं आप लोग, कंपेयर कर लीजिए। देखिए तो इसका क्या है स्ट्रोक, ये वाले किसमें ज़्यादा है, इसमें स्ट्रोक कितना है, कम है, ठीक है। तो हम अपने, हमने आपको रेडियल फॉलोअर और ऑफसेट फॉलोअर के बारे में बताया। एक क्वेश्चन जनरली आता है, एक क्वेश्चन जनरली आता है व्हाई ऑफसेट इज गिवन, ऑफसेट इज गिवन इन कैम एंड फॉलोअर, कैम एंड फॉलोअर में ऑफसेट क्यों दिया जाता है। इसका बेस्ट आंसर क्या लिखिएगा आप, बिकॉज टू रिड्यूस थ्रस्ट फोर्स, बिकॉज टू रिड्यूस थ्रस्ट फोर्स हम ऑफसेट देते हैं। लेकिन हम ऑफसेट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ऑफसेट देने का डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज स्ट्रोक लेंथ कम हो जाता है, ऑफसेट में स्ट्रोक लेंथ कम हो जाता है। आप यही बात वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, स्ट्रोक लेंथ क्या होता है कि कम हो जाता है। तो हमने आपको इसके बारे में बताया। इसके बाद एक जस्ट छोटा सा है, एक और है बचा हुआ क्लासिफिकेशन, अभी बता देते हैं जस्ट। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ हम क्लासिफाई करते हैं, तो मूवमेंट किसका, मूवमेंट फॉलोअर का मूवमेंट भी बोल सकते हैं या कैम का मूवमेंट भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो बेसिकली जो है फॉलोअर है, तो फॉलोअर के मूवमेंट पे बेसिस पे ही क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें दो टाइप का होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग और एक होता है ऑक्सीलेटिंग। तो रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, हम आपको ऑलरेडी बताए हैं, जो कैम होता है वो कभी रोटेशन भी करता रहता है, लेकिन वेज अगर डिस्क कैम है तब, स्फेरिकल है तब भी रोटेट करेगा, सिलेंड्रिकल है तब भी रोटेट करेगा जितना था। लेकिन वेज शेप में क्या था, वो ट्रांसलेट करता था, वेज शेप में क्या था, ट्रांसलेट करता था इस टाइप से। और ये क्या कर रहा था, यहाँ पे जो फॉलोअर था वो ऊपर नीचे जा रहा था, यानी रेसिप्रोकेट कर रहा था ये, ठीक है ना, इसी टाइप का था ना। तो कैम रोटेट्स या ट्रांसलेट होगा, ठीक है ना, ऐसे, और फॉलोअर का रेसिप्रोकेशन या ट्रांसलेशन भी होगा, रेसिप्रोकेशन भी हो सकता है, ट्रांसलेशन भी हो सकता है इसमें। और इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम, इसमें बस एक यही खास बात है कि किसी एक जो फ्रेम होता है, ये वाला हम आपको बताया था ना, ये वाला पार्ट फ्रेम होता है, यहाँ पे जो गाइड विन, इसको गाइड बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी ना किसी सूटेबल पॉइंट पे क्या होता है, ये पिवोटेड होता है, पिन रहता है, पिन जॉइंट रहता है। तो अबाउट एनी पॉइंट फ्रेम, इसमें क्या होता है, ऑक्सीलेट करता है, ठीक है ना। कैम क्या करता है, रोटेट करेगा या ट्रांसलेट करेगा, इसमें भी सेम वैसा ही, ठीक है। चलिए हम इसमें कैम का क्लासिफिकेशन, सॉरी जो फॉलोअर का क्लासिफिकेशन आपको बता दिए हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास फिर इतना ही, चलिए थैंक यू।